हाँ जी सारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत है फिर से मेरे चैनल में। मैं आपका दोस्त रिया सर। आज इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ एडमिशन के ऊपर। अभी ये जो कोरोना वायरस चल रहा है, इसके चलते हुए जो सिंगापुर में एडमिशन हो रहे हैं, उसके ऊपर मैं आप सभी से बात करने वाला हूँ। आपको जानने को मिलेगा कि क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है अगर आप कोरोना वायरस जो इसमें कोविड की महामारी इस समय अगर आप सिंगापुर में किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेते हो तो क्या क्या प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ेंगी और किस किस चीज़ का आपको पैसा पे करना पड़ेगा। इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें, बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। इसी के साथ मैं रिक्वेस्ट करता हूँ हर बार कि यार अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाओ राइट नाउ सब्सक्राइब माई चैनल, सब्सक्राइब नाउ माई चैनल, और वीडियो को लाइक कमेंट करें। इसके साथ साथ अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करें जो यार सिंगापुर आना चाहते हैं, जो इंटरेस्टेड हैं कि हाँ भाई सिंगापुर स्टडी, वहाँ तक ये वीडियो पहुँचे यार। क्योंकि जिस हिसाब से मेरे को लोग कमेंट करते हैं, मुझे अच्छा लगता है यार आप लोग इस तरह का कमेंट करते हैं। मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता है कि मेरी वजह से आप लोग की प्रॉब्लम जो है वो सोल्व हो रही है। तो मैं चाहता हूँ कि ऐसे ही मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाता रहूँ जिससे कि आपकी जो प्रॉब्लम है सिंगापुर को लेकर स्टूडेंट के दौरान, स्टडी के दौरान, वो दूर होती रहे। तो गाइस सब्सक्राइब नाउ और वीडियो मैं शुरू करता हूँ। तो गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता दूं, जो अभी सिंगापुर में एडमिशन होने लगे हैं, स्टूडेंट आ भी रहे हैं, जिस हिसाब से मेरे को कमेंट करते हैं लोग कि मेरी इस तारीख को फ़्लाइट है, इतने दिन मेरा क्वारंटीन है और इतनी तारीख से मेरी क्लासेस स्टार्टेड हैं, तो गाइस सही है। मैंने भी कॉलेज में पता किया है और मैंने भी एक दो लोगों की फ़ाइलें अप्लाई की हैं फरवरी इनटेक की। जनवरी इनटेक तो ऑलमोस्ट फुल हो चुका है, जनवरी इनटेक ना ही लें तो बेटर है। मेरा जो सजेशन है वो आप लें फरवरी और मार्च। तो मैंने अपनी जो फाइलें हैं दो तीन स्टूडेंट्स की, वो अप्लाई की है फरवरी इनटेक की, फरवरी 2021। तो स्टूडेंट अभी भी दिसंबर में आने वाले हैं, जनवरी के जो हैं वो वीज़ा आ चुके हैं, उनका जो प्रोसेस है अब वो चल रहा है क्वारंटीन को लेकर। तो जो मेरा सजेशन है, अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो फरवरी से स्टार्ट करें, फरवरी मार्च अप्रैल ऐसा इनटेक लें और सिंगापुर आ सकते हैं। इसके चलते बता दूं कि अभी बहुत सारे कॉलेजेस में फ़ीस में डिस्काउंट है। पहले क्या था कि उनकी पूरी फ़ीस थी जैसे 6,185, 6,200, 6,600, 6,700 इस तरह की फ़ीस थी। अब उन्होंने क्या है कि डिस्काउंट देने लगे हैं स्टूडेंट्स को, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को, मोस्टली इंडियंस के लिए डिस्काउंट चल रहा है कोरोना की वजह से। जिसकी फ़ीस थी 5,000 उसकी 4,000 हो गई है, जिसकी 6,500 थी उसकी मतलब 55, 45, इस तरह से फ़ीस में डिस्काउंट चल रहा है। मतलब 4,500 से लेकर आपको अब 1 साल का कोर्स मिल जाएगा, सेम कोर्स 1 6+6 हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट फूड एंड बेवरेज, 4,500 5,000 इस तरह के आपको डिस्काउंट में कोर्स सिंगापुर में किसी भी प्राइवेट कॉलेज में मिल जाएंगे। ठीक है, अगर आप एडमिशन ले लेते हो तो मैं थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूँगा कि अगर अभी एडमिशन लेते हो तो क्या है और बाद में लेते हो तो क्या है। अभी अगर आप एडमिशन लेते हैं, जैसे आपकी कॉलेज की फ़ीस 4,500 है, ठीक, 4,500 और प्लस अगर आपका उस समय फरवरी मार्च में अगर कोविड है, मतलब वो क्वारंटीन का वो पैसे चार्ज कर रहे हैं तो 2,200, वो तो 4,500 और 2,200, ये आपका हुआ 6,700 कुछ 700 मतलब। तो आपका 6,700 में अभी काम हो रहा है, ठीक है, इस डिस्काउंट वाले में। जैसे आप 6,700 में आपका क्वारंटीन भी हो जाएगा और कॉलेज की फ़ीस आ जाएगी और टिकट, शॉपिंग और एक्सपेंसेस तो आप नॉर्मल में भी आएंगे तब भी आपको करना ही पड़ेगा। वैसे क्या है कि अगर मान लो ये क्वारंटीन चलता रहा, एडमिशन हो रहे हैं अभी, ठीक है, आगे बढ़ गया एडमिशन, तो इन्होंने ये सब जितने भी कॉलेज हैं अपनी नॉर्मल फ़ीस में आ जाएंगे, क्योंकि एडमिशन आने सिंगापुर में स्टूडेंट आने लगेंगे, एडमिशन होने लगेंगे, तो ये अपनी फ़ीस नॉर्मल कर देंगे आज से 1-2 महीने बाद, ये मुझे पता है। अगर इन्होंने नॉर्मल कर दिया और क्वारंटीन भी चल रहा है साथ में, तो आपको वो पूरी पुरानी फ़ीस देनी पड़ेगी 6,000 प्लस प्लस क्वारंटीन का 2,200, तो ये आपका पहुंच जाएगा ऊपर 8,000 के ऊपर। अभी क्या है कि अभी आपका नॉर्मल में ही से किसी कॉलेज की फ़ीस 6,200 है, तो किसी की 6,500 है, किसी की 6,000 है, तो अभी क्या है कि आप 4,500 4,000 भरकर प्लस क्वारंटीन का भरकर आपका भी 6,000 के ऊपर सारा बैठ जाएगा। टिकट, शॉपिंग और 1-2 महीने खर्चा वो तो करने पड़ेगा, वो चाहे आप नॉर्मल में आए, चाहे अभी आए, चाहे आप बाद में आए, वो देना ही पड़ेगा। ठीक, तो ये था एडमिशन का। अगर आप एडमिशन करना चाहते हैं तो एडमिशन करा सकते हैं किसी के थ्रू, एजेंट के थ्रू, मेरे थ्रू हो सकता है एडमिशन। ठीक है, मैं यहाँ पे हूँ तो मैं क्या आपको अच्छा गाइड करूँगा, अच्छा सा कॉलेज ढूंढ के दूंगा जिसकी टाइमिंग मॉर्निंग की हो, जिससे कि आप अपना एक्सपेंसेस भी पूरा निकाल सके। एजेंट तो सब बताता नहीं, एजेंट बोलता है कि आप ये कॉलेज ले लो, इसका ये है, उसका वो है, वो तो अपने चक्कर में है। इसके बाद क्या है कि जब आपका वीज़ा आ जाएगा, ठीक है, वीज़ा आ गया आपका, उसके बाद कॉलेज
आपके लिए अपील करता है, अप्रूवल लेता है MOE मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से। अभी क्या है कि कॉलेज ने वीज़ा लिया ICA से, इमिग्रेशन चेक पॉइंट अथॉरिटी से, वहाँ आपका वीज़ा आ गया। उसके बाद वीज़ा आने के बाद आपका पूरा वीज़ा डॉक्यूमेंट्स कॉलेज भेजता है MOE अप्रूवल लेने के। वहाँ से अप्रूवल आने के बाद आप सिंगापुर आ सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपका वीज़ा आया और आप सिंगापुर आ गए, नहीं, आपकी अप्रूवल आएगी MOE से, उसके बाद आपको क्वारंटीन का पैसा देना पड़ेगा। ठीक है, क्वारंटीन का पैसा देना पड़ेगा जो भी है 2200 प्लस इंश्योरेंस। तो वो 2200 जब आप MOE को दे देंगे इंडिया से, उसके बाद यहाँ की जो गवर्नमेंट है MOE वाले हैं, आपके लिए होटल चूज़ करेंगे, ठीक है, सिंगापुर फैसिलिटी के साथ। जब आप सिंगापुर एयरपोर्ट पर आ जाएंगे तो आपका चेकअप होगा, जो वो तो पहले से उनके पास अपडेट हो जाता है कि हाँ ये बंदा आने वाला है। तो वहाँ पे आपको जो भी टीम है, आपको टीम मिलेगी, जैसे पुलिस वाले हैं, डॉक्टर हैं, वो चेकअप होगा, उसके बाद आपको होटल ले जाएंगे जिस होटल में उन्होंने आपके लिए बुक किया होगा। तो वही है, ऐसा नहीं है कि जैसे एजेंट कहते हैं कि हाँ फीस भरो, वीज़ा आया और चलते बनो, ऐसा नहीं है। वीज़ा आने के बाद कॉलेज MOE अप्रूवल के लिए अप्लाई करेगा कि आपका अप्रूवल लिया जाए, जिससे कि आप के जो क्लासेस है वो स्टार्ट हो रही हैं, तो उससे 14 दिन पहले आपको सिंगापुर आना पड़ेगा, 15-16 दिन मान लो। तो यही सीन है। और बता दें, काम के सिलसिले में सिंगापुर में भी काम है। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि अभी अगर अभी आप इस दौरान आते हैं तो आपको काम ढूंढने में बहुत ही आसानी होगी। ठीक है, अभी यहाँ पे थोड़ा सा बहुत काम है सिंगापुर में स्टूडेंट के लिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे यहाँ पे जिन्होंने अपनी OJT कर ली, पढ़ाई कर ली, वापस चले गए, वापस जा भी रहे हैं, अभी कोई आ नहीं रहा है। तो दिसंबर से जो चल रहा है महीना, अब ये 15 दिसंबर के बाद से स्टार्टिंग है बच्चों की आने की इंडिया से, दिसंबर जनवरी, अब ये कंटिन्यू आते रहेंगे, तो इनके लिए थोड़ा सा प्रॉफिट है काम के लिए। तो गाइज़, आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आपका जो डाउट होगा वो सब दूर हो गया होगा। और मुझे आप कमेंट भी कर सकते हो, अगर आपको किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं आपके लिए बनाऊंगा वीडियो। और इसके साथ इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करें, सब्सक्राइब नाउ। फिर मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।